किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं हूँ आपकी फ्रेंड ज्योति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजिटल वर्ल्ड एंड ब्यूटी टच। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इजी ग्लैम मेकअप लुक एंड पार्टी वेयर मेकअप लुक। ये मेकअप मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से आप अपने चेहरे पर ग्लो ला सकते हैं और एक ग्लोइंग मेकअप कैसे कर सकते हैं और पार्टी में आप एक अट्रैक्टिव कैसे दिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है, जिससे कि आपको परफेक्ट तरीके से मेकअप करना पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप करना है और आपके चेहरे पर किस तरह से इतना अच्छा ग्लो आ सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इजी ग्लैम मेकअप लुक और पार्टी वेयर मेकअप लुक, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको अपने ट्यूटोरियल में बताने वाली हूँ। तो आपको सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लेना है, मैंने कर लिया है और लिप बाम लगा लिया है। और अब मैं एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर अप्लाई करने वाली हूँ। तो इसे अपने पूरे फेस पर आपको अप्लाई कर लेना है। इसके बाद मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड, एलोवेरा जेल लगाने से आपके फेस पे काफ़ी ग्लो आता है और उसके बाद अगर आप सीरम अप्लाई करते हैं तो आपके चेहरे पर और भी ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है। तो ये मैं अप्लाई कर लूँगी और उसे भी अच्छे से चेहरे पर ड्राई होने तक हमें मिक्स करना है, जिससे कि हमारी स्किन भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और हमें अपने नेक पर और ईयर्स पर भी हर प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। इसके बाद मैं 9 to 5 का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इसे भी हम पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। हमारे जितने ओपन पोर्स वगैरह हैं वो इससे फिल हो जाते हैं तो हमारा मेकअप अलग अलग नहीं दिखाई देता है बिल्कुल भी, और काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, बिल्कुल फटाफटा नहीं दिखाई देता है। इसलिए इसे भी हम अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मैं मिलाओ का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो मेकअप कर रहे हैं उसमें मैंने आपको ग्लैम मेकअप बता रही हूँ, तो हम आज फाउंडेशन लेंगे और उसमें ये ऐड करेंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ जो, तो आपको ये इसमें ऐड करना है जिससे कि आपका चेहरा काफ़ी ग्लोइंग दिखाई देगा। तो ये कोस्मो का हाइलाइटर है, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा। तो ये मैंने पेपर पर लिखा लिया है क्योंकि ये पाउडर बेस में है, तो मैं इसको अपने फाउंडेशन में ऐड कर लूँगी और इससे ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। देखिए, मैंने अपने हाथों पर ही ले लिया है और इस तरह से हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। अभी मैं ये ब्लेंडर से ही कर रही हूँ, तो आपको भी इसी तरह से ब्लेंडर से अपने पूरे फेस पर। हमारा फाउंडेशन पूरी चेहरे पर लग चुका है, मैं इसको सेट करने के लिए फेस पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और हाइलाइटर मिक्स करने से आपका चेहरा काफ़ी ग्लो करेगा। फ्रेंड्स, हम इसे आईज के नीचे थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि अभी हमें आई मेकअप भी करना है। तो इस तरह से
इसके बाद में ये ब्लैक कलर का आई शेडो लूँगी आईब्रो फिल करने के लिए, तो मैं इससे आईब्रो फिल कर लूँगी। तो इस तरह से मैं आईब्रो फिल कर लूँगी और देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हो जाती हैं। इसके बाद मैं ये थोड़ा सा पीच कलर का ये आई शेडो ले रही हूँ, अपनी आईज़ पर लगा रही हूँ। थोड़ा सा पिंक लूँगी, थोड़ा सा ऊपर अप्लाई कर रही हूँ जिसमें कि हमारी आईज गहरी दिखें थोड़ी सी, इस तरह से। इसके बाद में ये ग्रीन कलर का ले रही हूँ आई शेडो, देखिए ग्रीन, क्योंकि मैंने ग्रीन साड़ी कैरी की हुई है इसलिए। तो इसे भी हम अपनी आईज पर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद मैं आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, ग्लो है विंक है वाटरप्रूफ है। थोड़ा मोटा सा कर रही हूँ आज मैं, आईज में आज मैंने काजल अप्लाई किया है, मैं आपको दिखाना भूल गई, और सिर्फ लाइनर में ऊपर ही अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं लैशेस अप्लाई करूँगी। लैशेस लगाने से पहले मस्कारा यूज़ करूँगी, ग्लैम 21 का मस्कारा है ये। तो मैं इसके बाद मैं चेहरे को कंटूर करूँगी, तो मैंने कंटूर ले लिया है। इसके बाद मैं चेहरे को कंटूर करूँगी। जितने भी कंटूरिंग पॉइंट्स है सभी जगह मैं कंटूर कर लेना है। मैं नोज़ को भी करूँगी। इसके बाद मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर का। बिल्कुल लाइट ही यूज़ कर रही हूँ, अगर आप डार्क चाहते तो आप डार्क यूज़ कर लीजिए, मैं थोड़ा सा लाइट ही यूज़ कर रही हूँ इस तरह से। इसके बाद मैं हाइलाइटर कर यूज़ कर रही हूँ, तो सारे हाइलाइटेड पॉइंट हम हाईलाइट कर लेंगे। सबसे पहले हम नोज़ कर रहे हैं, उसके बाद चिन पर करेंगे, देन स्माइल करते हुए हम अपने चीक्स पर कर लेंगे। हम ग्लैम मेकअप कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम नोज के पास से चीक्स पर करेंगे इस तरह से, जिससे कि ग्लोइंग मेकअप दिखाई देगा आपका, देखिए फ्रेंड्स। और थोड़ा सा मैं फोरहेड पर भी कर रही हूँ, हल्का हल्का सा, बिल्कुल देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं हुडा ब्यूटी की पिंक कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो हमने लिपस्टिक, तो हमारी लिपस्टिक लग चुकी है। उसके बाद मैं ज्वेलरी कैरी करूँगी, तो मैं ये ज्वेलरी कैरी कर रही हूँ।
तो मैंने ज्वेलरी कैरी कर ली। इसके बाद में एक छोटी सी बिंदी अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं ये बिंदी अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से, देखिए। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा फाइनल लुक, और देखिए कितना अच्छा ग्लो आया है चेहरे पर, अलग ही शाइनिंग दिखाई देगी आपको। देखिए कितना ग्लो दिखाई दे रहा है मेकअप के बाद। फ्रेंड्स मेकअप के बाद तो ग्लो आ ही जाता है, लेकिन अगर हम सही तरीके से मेकअप करते हैं तभी अच्छी तरीके मेकअप चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने ट्यूटोरियल में बताया है, आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को, क्योंकि अगर हम स्किप कर देते हैं तो बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, जिस वजह से हमारा मेकअप अच्छा नहीं होता। फिर हम कहते हैं कि यार वीडियो में तो बताया था कि ग्लो आएगा चेहरे पर ग्लो आया नहीं है मेकअप में बिल्कुल भी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फ्रेंड्स अगर मेकअप आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकॉन को हिट ज़रूर कर दें जिससे मेरा न्यू अपडेट आपको मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़रूरी हो तभी घर के बाहर जाएं। वास्ता नहीं रखना तो नजर क्यों रखते हो, किस हाल में हूँ जिंदा खबर क्यों रखते हो। वे मैं थूं तेरा मन पर यार।